जी डॉक्टर, मैं अगले एक घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगा। जी थैंक यू। चलो बाल बनवाओ। हाँ, जो जो चीजें आपने मंगवाई है मैं सारी ले आऊंगा। आसपास इसी स्कूल भी जाना है ना फिर ब्रेकफास्ट खाके। अच्छा बताओ ब्रेकफास्ट में क्या खाओगी? चॉकलेट। नहीं, दादी के हाथ का पराठा। रूही रेडी। तो चलो फॉर ब्रेकफास्ट। रेडी स्टेडी कौन बोलेगा? साहब, ये मेरी बेटी के हेयर सैंपल्स। आई होप कि ये डीएनए के लिए काफी होंगे। जी बिल्कुल। बच्ची का नाम? जी रूही। रूही रूही बल्लर। आपकी बेटी है? जी हाँ, मेरी बेटी है। तो आप ये डीएनए टेस्ट क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे आपके ब्लड सैंपल की भी जरूरत पड़ेगी। रूही है तेरे साथ जरूर, लेकिन वो अमानत मेरी है। शगुन और मेरे साथ की निशान। मिस्टर भल्ला, कोई प्रॉब्लम? जी जी नहीं, नो नो प्रॉब्लम। मैं ब्लड सैंपल देने के लिए तैयार। ये लीजिए मिस्टर भल्ला। जी जी डॉक्टर। कॉरिडोर के बाहर वहां पर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, अपना ब्लड दे दीजिए। पापा मुझे बहुत दुख रहा है। पापा मत रो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, मत रो। वो इस परिवार का हिस्सा है, परिवार का बच्चा, आने वाले कल की उम्मीद। Love you, Papa. रमन, ये तू क्या कर रहा है? रूही मेरी नहीं तो क्या मैं उसका बाप नहीं? उसकी आंखें खोलने पर हाँ मैं था। उसकी पहली हंसी मैंने देखी, उसके पहले आंसू मैंने पूछे। मेरे माँ बाप ने उसे पाला अपने बच्चे की तरह। मैं उनकी जिंदगी नहीं उजाड़ सकता, उनसे खुशी नहीं छीन सकता। मेरे घर में रूही के लिए बहुत प्यार है। अगर मैं उसे प्यार दे नहीं सकता कम से कम उसे प्यार दिला तो सकता। और सज्जन के क्या हो जाए, आज जो कुछ भी सब खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। इस सच को जानने की हिम्मत नहीं है मुझमें। मिस्टर रमन का ब्लड सैंपल ले लेना और मैं बच्ची का हेयर सैंपल भी भिजवा रहा हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर, नहीं नहीं नहीं, 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 प्लीज प्लीज नहीं, मुझे कोई डीएनए टेस्ट नहीं कराना। मिस्टर भल्ला ये क्या कर रहे हैं? नहीं मुझे नहीं करवाना, मेरी बेटी का सैंपल कहाँ है? मेरी बेटी? ये बेटी का हेयर सैंपल कहाँ है डॉक्टर? हेयर सैंपल कहाँ है डॉक्टर?
अरे ये मेरी मेरी बेटी मेरी मेरी बेटी है सॉरी सॉरी डॉक्टर सॉरी वन सेकंड प्लीज मैं चाय पीता हूँ कॉफी नहीं आज ये पी लो सारी उतर जाएगी मुझे कब क्या कौन सी चीज पीनी है मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें फिक्र करने की जरूरत दीदी देखना ये सब्जी होगी क्या कॉफी तो इससे भी ज्यादा कड़वी है मुत्तू क्या हो गया पिपी आई है पापा मुत्तू को पिपी आई है चलो ना नीचे मुझे बहुत काम तुम्हें जोर से पिपी आई है ना चलो मैं चलती हूँ मुत्तू स्वामी जल्दी से पिपी कर लो वरना तो ईशी माँ वरी करेंगी ओ शी गंदा बच्चा इसके बाद तुम्हें हैंड वॉश भी करवाएंगे प्लीज आप लोग बाहर जाइए हमें बच्चे की जांच करनी है डॉक्टर ये ठीक तो हो जाएगी या डोंट वरी आप फिक्र मत कीजिए बाहर जाइए एक्सक्यूज मी बच्ची को कोई एलर्जी नहीं ब्लीडिंग रुकी क्या डॉक्टर साहब अभी देख रहे हैं आपको क्या हो गया है ओ रूही का सुनकर होश ही नहीं रहा दौड़ रही थी सीढ़ी पर से पैर से लग गया मोच आ गए और छाड़ी सो तुम बिंदास रूही के थे वो अंदर इमरजेंसी रूम में है अरे रब्बा एक ही हो गया ओ तोशी जी शांत रहो और रब पर भरोसा रखो रूही ठीक रहेगी एक्सक्यूज मी देखिए जब वो गिरी तो शायद उसके सर पर कोई पत्थर या नुकीली चीज लगी थी हमें स्टिचेस लगाने होंगे क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है एक यूनिट ब्लड लगेगा एक यूनिट मुझे
मेरे अंदर बहुत ब्लड है, मेरा सारा खून लेके मेरी बच्ची को बचा लो जी। सॉरी मैडम, हम आपका ब्लड नहीं ले सकते, क्योंकि 60 साल से ज्यादा की उम्र की महिला का ब्लड नहीं लिया जा सकता। आप लोग बच्चे के माँ बाप, आप में से किसी का मैच हो सकता है, आप प्लीज चेक करवा लीजिए। शगुन के पेट में जो बच्चा है वो तेरा नहीं, शगुन और मेरे, शगुन और मेरे साथ। रोहित का ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। मेरा बी नेगेटिव है। एक्सक्यूज मी, जा पुत्र, तू दे दे, तेरा तो अपना ही खून है। रोहित का खून अगर मेरे खून से मैच नहीं की तो क्या जवाब दूंगा मैं सबको? महाभाव जी, सारे घर वाले सब टूट जाएंगे। रमन प्लीज अपना ब्लड चेक कराइए ना, रूही को खून की बहुत जरूरत है। रमन, रमन, मैं ब्लड नहीं दूंगा। क्या? मैंने कहा ना, मैं खून नहीं दे सकता, मेरी तबीयत खराब है। आप दोनों में से ब्लड कौन देगा? मैंने कहा ना, मैं खून नहीं दे सकता, मेरी तबीयत खराब है। ऐसा कैसे हो सकता है? बीपी तो नॉर्मल लग रहा है आपका, चलिए चेक कर लेते हैं। प्लीज चलो ना रमन, प्लीज। मैंने कहा ना, मैं खून नहीं दूंगा, ब्लड बैंक से मंगवा लो। अब एक मिनट सिस्टर, आप मेरा ब्लड ले लो, जितना चाहिए आप खून ले लो मेरा। आपसे कहा ना, हम 60 ईयर से ऊपर के लोगों का ब्लड नहीं ले सकते। रमन पुत्र, ऐसा भी क्या हो गया है जो? अरे आपको मेरी बात करने की आदत पड़ गई है क्या? कहा ना, मैं नहीं दे सकता खून रूही को, तबीयत ठीक नहीं मेरी। मैं उसकी माँ को फोन कर लूँ, मैं नहीं दे सकता खून। उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसकी खुद की बेटी है वो। क्या करूं? अगर मेरा खून मैच नहीं तो सारा राज खुल जाएगा। लोगों को कैसे समझाऊंगा? क्या करूं? मैं एक काम करती हूँ, मैं शगुन को फोन करती हूँ, और आप तब तक ना ब्लड बैंक पे पता कीजिए, जल्दी कीजिए। हाँ, अरे वाह, हाउ लकी, इशिता का फोन है। हेलो, हेलो शगुन, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ पॉजिटिव। क्यों? थैंक गॉड। सुनिए, आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए, दरअसल रूही को काफी चोट लगी और उसे खून की बहुत जरूरत है। व्हाट, क्या हुआ रूही को? उसका ब्लड ग्रुप तो बी पॉजिटिव है, और रमन? नहीं हो पा रहा है। देखिए, आप यूनिवर्सल डोनर है, आप दे सकती हैं उसे ब्लड। तो मैं हूँ वहाँ ब्लड देने, प्लीज। उसे बोलो कि हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। हम 15 मिनट में वहाँ पहुँच रहे हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज परफेक्ट। क्या ब्लड ग्रुप बताया रूही का? अब बी पॉजिटिव। लगता है भगवान को भी बहुत मजा आ रहा है रमन के साथ खेल खेलने का। व्हाट अ कोइंसिडेंस, बी पॉजिटिव। जी हाँ, आई नीड 2 यूनिट्स ऑफ बी पॉजिटिव ब्लड, लुक इज वेरी अर्जेंट, बच्ची बहुत छोटी, मिलते ही फोन कीजिए प्लीज। कैसे बापू? चल यहां से, मुझे परेशान मत करो। देखो, मैं ब्लड की ही अरेंजमेंट कर रहा हूँ, जैसे मिल जाएगा बता दूं। और मैंने कहा ना, मैं खून नहीं दे सकता। झूठ, सरासर झूठ। आपको क्या लगता है? मुझे समझ में नहीं आता आप कब झूठ बोल रहे हो और कब सच साफ दिखाई देता है आपके चेहरे पे। आपको शर्म नहीं आती? जिंदगी आपको बार बार मौके दे रही है कि आप अपनी बेटी के करीब आ सके, उसके सामने अपने आप को प्रूव कर सके, लेकिन आप किसी कसौटी पे खरा नहीं उतरते। बस भाषण देना बंद करो। तो बोल चुकी तुम, जब रूही को होश आएगा ना तो उसे ये स्टोरी सुनाना अपनी। मदर इंडिया का खिताब मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन हाथ जोड़ता हूँ, इस वक्त जाओ यहाँ से। You're so insensitive, so insensitive.
नड़त रहे, किधर है सब लोग? रूही किधर है? मेरी बच्ची, तेरे से क्या हो गया रब्बा? फौरन धीरे चक्की, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को। पहले उस डिंपल ने उसको गलत दवा दे दी, फिर उस बदतमीज शगुन के पास फंस गई मेरी बच्ची, और अब ये। प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो, प्रे करो मुर्गन सब अच्छा करेगी। ओए, वैसे ये सारा तेरी वजह से हुआ है। तू ही लाई थी ना उस मुत्तू स्वामी को, देखा क्या हशर कर दिया मेरी बच्ची का, इस तरह से इसको घायल कर दिया। वो तो जंगली कुत्ता था, वो तो वैसे भी। Excuse me, बच्चे की माँ आने वाली थी ब्लड देने के लिए। आती होगी, तब तक आप बाकी लोगों का ब्लड टेस्ट कर लें। शगुन थैंक यू सो मच, आइए आप, अब ब्लड मुझे देना होगा। हाँ, एक्चुअली दोनों पेरेंट्स में से आमतौर से किसी एक के साथ में ब्लड ग्रुप मैच हो जाता है, पर आप तो यूनिवर्सल डोनर हैं, सो इसीलिए आपको बुलाया। आप आइए ना। एक्चुअली इशिता, मेरा हेमोग्लोबिन लो है। आई एम नॉट अलाउड। आप क्या बोल रही हैं? डोंट वरी, रूही का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है ना, मेरा। थैंक गॉड। और वैसे भी अगर माँ का ब्लड ग्रुप मैच ना करे तो फादर का तो कर ही जाता। रमन, चेक नहीं कराया तुमने? मुझे कोई चेक नहीं करवाना, क्योंकि मैं खून नहीं दे सकता। और रूही का है? मैं अंदर इमरजेंसी रूम में। ओके। तुमने ब्लड टेस्ट कराया नहीं है अभी तक, लेकिन करा लो, कम से कम ये तो पता चलेगा कि तबीयत क्यों खराब है। तबीयत खराब है? क्या हुआ, इतना शौक में आ गए हो कि तबीयत खराब हो गई तुम्हारी? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? अब मैं मेरे सर पे क्यों खड़ी हो तुम? इट्स ओके रमन, चिल है। मैं समझ सकता हूँ कि अपनी बच्ची को इस हालत में देखकर एक बाप पर क्या गुजरती है। कोई बात नहीं शिता, बच्ची को ब्लड मैं दे दूँ। वैसे किस्मत भी क्या होती है ना, मुझे पता था कि रूही मेरी किस्मत में है। मैं समझ सकता हूँ कि अपनी बच्ची को इस हालत में देखकर एक बाप पर क्या गुजरती है। कोई बात नहीं शिता, बच्ची को ब्लड मैं दे दूँ। वैसे किस्मत भी क्या होती है ना, मुझे पता था कि रूही मेरी किस्मत में है। बिल्कुल उस फिल्म की तरह, अमर अकबर एंथोनी, जिसमें तीन बच्चों ने अपनी माँ को बचाया, इसी तरह मैं भी रूही से जुड़ जाऊंगा और हमारा भी खून का रिश्ता हो जाएगा। ये फिल्म नहीं है, रियल लाइफ है, एंड इट्स जस्ट ब्लड। सो चलिए। Excuse me, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बच्चे को ब्लड दे दिया गया है। Thank God. किसका ब्लड दिया? ब्लड बैंक से अरेंज हो गया था। आप में से कोई एक जाकर ब्लड बैंक को ब्लड रिटर्न कर दीजिए। मैं भी करके आता हूँ। बच्चे की माँ आ गई? Yes. बच्चे को होश आ गया है। आप में से इशिमा कौन है? मैं। चलिए, वो आपको बुला रही है। डोंट वरी मिसेस बिरला, हमने स्टिचेस लगा दिए हैं, अब ये खतरे से बाहर है। लेकिन हाँ, आप प्लीज इसके पास ही रहिए, इसे बेटर लगेगा। She's a brave. आपकी बच्ची बहुत बहादुर है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। पीपी, हम आ गए हैं। हाँ, अभी आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, ओके? मैं वेरी ब्रेव गर्ल, कितनी ब्रेव है मेरी बेटी। कंग्रेचुलेशन, अब बच्ची बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर, आप डॉक्टर नहीं, भगवान हो। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है,
रूही बहुत बहादुर बच्ची है, और देखना कल तक तो मैं उसे हॉस्पिटल से छुट्टी भी दे दूंगा। बड़ी मेहरबानी। वो घर जा सके। थैंक यू लोग। एक्सक्यूज मी, आप? मैं बच्ची का पापा। दोस्त, एक्चुअली आई एम आल्सो बी पॉजिटिव, मैं यहाँ पर खून देने आया था, लेकिन उससे पहले ही आपने ब्लड बैंक से इंतजाम कर लिया था। एनीवेज, शगुन चलते हैं यहाँ से। वैसे भी ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने से बच्ची की सेहत पर असर पड़ता है। लेट्स गो। बेटा आप मेरे लिए ऑफिस नहीं कर, मुझे घर लेके आए गोदी में, और आपने पार्टी को कहा कि आप मुझे मिस करोगे, इसका मतलब आप मुझसे एंग्री नहीं हो? नहीं बेटा, मैं तुमसे कभी नाराज था ही नहीं। पापा इज सॉरी, पापा इज वेरी सॉरी। Told you na, Papa loves you a lot. Chalo abhi, utho aur doodh piyo. Good girl. Yeah. Raman, ro kyun rahe? Pain ho raha hai kya? Seizure to pura diya hai. Raman. रमन आगे दिया थी। आधे पापा को छोड़ के सॉरी कि मैं अच्छा पापा नहीं बन सका। रोही रोही भी मेरी बेटी नहीं, बेटी में अशोक ने कहा रुई उसकी बेटी है। रुई अशोक की बेटी। माय गॉड, उस पार्टी वाली रात से ही तो रमन रुई से इतने उखड़े हुए, तो ये हुआ था वहां? ये मुरुगन